Click on the bell icon to watch our latest videos. हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पर्वत श्रृंखला की गोद में है कांगड़ा घाटी, और इस खूबसूरत घाटी के दक्षिण में 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ज्वालामुखी मंदिर। मंदिर में आके ऐसा लगता है कि कोई भी टेंशन्स नहीं है, सारी टेंशन्स खत्म हो जाती हैं। ये माता है ज्वाला, हम इसी की वजह से खाते हैं, और शहर का नाम इन्हीं की वजह से पड़ा है, ज्वाला जी नाम है। माँ की शक्ति है, वो यहाँ पर ज्योत के रूप में। ज्वाला माता है, इनको लोग बहुत मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ जिनकी बहुत मन्नतें पूरी हुई हैं। हम इसलिए जाते हैं कि हम माँ के दरबार जाने से हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है, और हमें एक अलग सी खुशी दिखती है। माता की तभी हम यहाँ हैं, माता नाम है, बुलाया तभी हम 5-6 साल से यहाँ रह रहे हैं। किसी मंदिर में चले जाओ, दूर से दर्शन होते हैं। सिर्फ जो ज्वाला माता का मंदिर है, सिर्फ अकेला मंदिर एक ऐसा है जहाँ पे आप मंदिर के अंदर जाते हैं और भोग लगाते हैं अपने हाथ से। बाकी कहीं भी जाओ, दूर से दर्शन होते हैं। पहला नहीं परंपरा जानी बुजुर्गों की चली आती है, जब भी बेटा हो गए तो बाल इतने मेहनत करी इतने नाने आ गए। कैनको ने आकर कई बार यहाँ पर परखी कि कहीं पे यहाँ पे लावा तो नहीं है, जैसे अंदर अंदर धरती में, लेकिन नहीं, बिना घी पाती के माता ज्वाला की ये जोत 24 घंटे जो जगी रहती है। इन्हां दी शक्ति इन्नी बहुत ज्यादा महिमा इन्हां दी, असी लोग ताही आंदे ना इत्थे इन्हां दे दर्शन करन, जो मनोकामना पूरी भी हुंदी है। मैं डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, पर मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ज्वाला जी के जब हमने दर्शन किए तो मतलब मन तृप्त हो गया और लगा कि हमारी यात्रा सफल हो गई। माँ ज्वाला देवी का अग्नि का ये रूप हमें उस शक्ति का बोध कराता है जो न सिर्फ नियंत्रित है बल्कि परोपकारी भी। उनकी लौ का तेज भक्ति की श्रद्धा की तरह असीमित है, अनंत है। जय माता दी। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।